नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। 3 दिन से बंद टीकाकरण अभियान ने गुरुवार को एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। दिन भर में 74,592 लोगों को टीके लगे। इसके साथ ही इंदौर जिले में अब तक 24,97,959 लोगों को टीके लग चुके हैं। यह लक्षित आबादी का 86.5% है। शहर के 85 में से 12 वार्ड 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं। यह आंकड़े प्रशासन और नगर निगम ने जारी किए हैं। जिले में 18 प्लस की 28 लाख आबादी को टीका लगवाना निर्धारित किया गया है। जायडस कैडिला ने 12 साल से बड़े लोगों के लिए अपनी कोरोना वैक्सीन जायकोव डी के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांगी। यह स्वदेशी टीका संक्रमण से बचाने में 66.6% असरदार। जायकोव डी वैक्सीन कोवैक्सीन के बाद दूसरी स्वदेशी और दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। सीहोर में बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एवं रिसर्च। 180 करोड़ की लागत से बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एवं रिसर्च। मध्य प्रदेश शासन ने 25 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई। जून 2022 तक तैयार होगा। उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई से खुलेंगे सिनेमा हॉल और जिम। कोरोना नियमों का पालन करना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया काटजू अस्पताल का शुभारंभ। बोले, लगातार पेड़ पसार रहा है डेल्टा प्लस का खतरा। तीसरी लहर को लेकर किया सावधान। उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द की कांवड़ यात्रा। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए विशेषकर बच्चों और महिलाओं के बेहतर इलाज के लिए पीसी सेठी अस्पताल को 100 से बढ़ाकर 250 बेड्स का किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कल खुद दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। दौरे की तैयारियों का जायजा आज शाम 5 बजे क्षेत्रीय विधायक श्री आकाश कैलाश विजयवर्गीय ने पीसी सेठी हॉस्पिटल का दौरा किया। मध्य प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे के स्थान पर अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। आदेश जारी। देवास जिले के नेमावर में हुए जघन्य हत्याकांड की गूंज पूरे प्रदेश से लेकर देश तक में हो रही है। जहां शातिर अपराधियों ने न सिर्फ बेखौफ 5 जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया था, वरन उन्हें जमीन में गाड़ कर अनजान बनकर 1.5 माह तक घूमते रहे। इस मामले पर गुरुवार को मुख्यमंत्री की तीखी प्रतिक्रिया के बाद सख्त हुए प्रशासन ने आरोपियों की संपत्ति जमींदोज की। फास्ट ट्रैक में चलेगा मुकदमा। आज की खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।